हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। हम सेट सी कर रहे थे मिस एलेंस एक्सरसाइज, क्वेश्चन 1 to 4 हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट ए कंटेन इन बी, देन आप प्रूव करो कि सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, यानी सी माइनस बी कंटेन इन सी माइनस ए, आपको प्रूव करना है। देखिए गिवन क्या है, गिवन है ए कंटेन इन बी, ठीक है। एंड प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अब हम किसी भी सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करते हैं, तो कैसे प्रूव करते हैं, इस सेट का नंबर उठाते हैं और इस सेट में प्रूव कर देते हैं, शो कर देते हैं, ठीक है। चलिए लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, हमने लिया कि x हमारा c माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स इम्प्लाइज दैट x बिलोंग करेगा c में बट x डजंट बिलोंग्स टू b। c माइनस बी का मतलब क्या होता है कि वो नंबर c में तो होगा बट b में नहीं होगा, क्योंकि हम b के सारे नंबर माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो x अगर c माइनस बी में बिलोंग करता है, इसका मतलब x c में तो मिलेगा बट x b में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। Then, अभी हमने कहा गिवन क्या था हमारे पास, गिवन है ए कंटेनिंग बी, यानी कि ए हमारा बी का सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन होते हैं। अगर कोई नंबर बी में बिलोंग नहीं कर रहा, वो ए में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ए इसका सबसेट हो गया। इम्प्लाइज दैट एक्स हमारा सी में बिलोंग कर रहा है बट एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए, बी में ही नहीं है तो ए में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ए इसका सबसेट है। यहाँ पे आप लिख सकते हो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। एक्स कोई नंबर सी में है और ए में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर हमारा मिलेगा सी माइनस ए सेट में। सी माइनस ए का मतलब यही होता है कि एक्स हमारा सी माइनस ए में बिलोंग कर रहा है, तो सी में मिलेगा हमारा, ए में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैं नंबर उठाया था सी माइनस बी का, शो कर दिया सी माइनस ए सेट में, इसका मतलब इस सेट के सारे नंबर सी माइनस ए सेट में कंटेन करते हैं, दैट मीन्स सी माइनस बी कंटेन्ड इन सी माइनस ए सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अज्यूम दैट पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी, शो दैट ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, गिवन है आपके पास पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। ए का पावर सेट बी के पावर सेट के इक्वल गिवन है। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, ए के जितने भी सबसेट बनेंगे उनका अगर हम सेट बनाते हैं तो पावर सेट बनता है हमारा, ठीक है। देन आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ए सेट बी के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए जब भी हम किसी सेट को इक्वल प्रूव करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होता है, ए को बी में कंटेन शो कर देते हैं और बी को ए में दिखा देते हैं, यानी ए के सारे नंबर अगर बी में आ जाते हैं और बी के सारे नंबर ए में आ जाते हैं तो दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं। तो अभी हमें पहले ये कंडीशन प्रूव करनी है, सबसे पहले आपको प्रूव करना है कि ए हमारा कंटेन होगा बी में। अब ए बी में कंटेन कैसे शो करते हो, ए का नंबर उठाते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, कोई नंबर हमने लिया x, वो a का एलिमेंट है, इम्प्लाइज दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ a, ठीक है, x हमारा a का एलिमेंट है। देन देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है कि देयर एग्जिस्ट, सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट ए सबसेट ऑफ a, सबसेट x नाम दे देते हैं a के सबसेट को, सबसेट x ऑफ ए सच दैट, कि अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास एक ए का सबसेट उठा लेते हैं, उसका नाम एक्स ले लेते हैं, तो कंडीशन क्या होल्ड करेगा कि वो एक्स नंबर एक्स में हो सकता है। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं ए सेट ले लेते हैं 1, 2, 3, ठीक है, और इसका सबसेट लिया हमने 1 और 2। अगर मैं ये कहूँ कि 1 ए में बिलोंग कर रहा है तो 1 x में भी तो बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे x इज अ सबसेट ऑफ a,
तो अगर वन ए में बिलोंग कर रहा है देन वन एक्स में भी बिलोंग कर सकता है, जो कि सबसेट होगा ए का। यही कंडीशन हमने यहाँ पे ली है कि अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वहाँ पे हम ए का सबसेट ले लेते हैं कि वो एलिमेंट हमारा उस सबसेट में भी आ जाए, ठीक है। देन अगर एक्स आपके पास ए का सबसेट है, अब यहाँ पे देखिए अगर एक्स ए का सबसेट है एंड पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, अगर इफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए देन एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में। ध्यान से समझना है, अगर एक्स ए का सबसेट है तो एक्स पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए में आपको डेफिनेटली मिलेगा। इसको रफ कर देते हैं, इधर करवा देते हैं इसको, देखिए कैसे। एग्जाम्पल क्या था हमारा, ए एग्जाम्पल आपने लिया था 1, 2, 3, ए हमने ले रखा है 1, 2, 3, हम इसका पावर सेट ऑफ ए बनाते हैं। क्या होता है, 1 सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, यानी इसके जितने भी सबसेट बनेंगे आपको वो सारे लिखने हैं, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 एंड इटसेल्फ होता है और लास्ट होता है 5। तीन एलिमेंट है तो 2 की पावर 3, 8 नंबर आने चाहिए पावर सेट ऑफ ए में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि आपका पावर सेट ऑफ ए सही है। अब इसमें चेक करिए, एक्स हमने क्या लिया है, फॉर एग्जांपल एक्स हमने माना है 1, 2 एलिमेंट, एक्स हमने एग्जांपल के लिए लिया है 1 एंड 2, क्या ये एक्स बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए में, चेक कीजिए क्या ये नंबर इस सेट में है, ये रहा 1, 2, ठीक है। तो यही से हमने क्या कहा कि अगर एक्स ए का सबसेट है तो एक्स आपके पास पावर सेट ऑफ ए में डेफिनेटली बिलोंग करेगा। गिवन क्या हमारे पास, पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, अगर पावर सेट ऑफ ए में है और ये इक्वल टू है पावर सेट ऑफ बी में, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स हमारा बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी में, ठीक है, एक्स हमारा पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग करेगा। अगर एक्स पावर सेट ऑफ बी में है देन, अगर हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ बी में, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स हमारा सबसेट बनेगा बी का। क्यों, क्योंकि अगर एक्स बी का सबसेट होगा तभी उसके पावर सेट में, पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग करेगा, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स बी का सबसेट है और एक्स हमारा किसका नंबर था, एक्स का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो स्मॉल एक्स है वो बिलोंग करेगा बी में। क्यों, क्योंकि x इसका सबसेट है और x बिलोंग कर रहा था x, x x का एलिमेंट था और x b का सबसेट है तो इसका नंबर इसके b के नंबर सारे कंटेन करेंगे, ठीक है। तो x हमने कहाँ किस में लिया था, x आपने लिया था x बिलोंग्स टू a और शो कर दिया x बिलोंग्स टू b, दैट मीन्स a इज ए सबसेट ऑफ b, ठीक है। तो ये इसका एक पार्ट प्रूव हो गया, यानी कि हमने दिखा दिया कि a कंटेन b। सेकेंडली आप क्या दिखाओगे, सेकेंड पार्ट में आप प्रूव करोगे B contain in A, तभी A equal to B होगा। B contain in दिखाने के लिए हम क्या लेके चलते हैं, Let X belongs to B implies that there exists a subset X of B, या सीधा यहाँ पे लिख लो X is a subset of B such that, अगर X B में belong कर रहा है तो हमने किसका subset उठा लिया और X हमारा कहाँ belong करेगा, x में बिलोंग करेगा, सेम टू सेम प्रोसीजर चलना है, ठीक है। x अगर x में बिलोंग कर रहा है और हमने कहा कि x हमारा b का सबसेट है, इफ x इज अ सबसेट ऑफ b देन x बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ b में, अगर x b का सबसेट है तो पावर सेट ऑफ b में जाएगा, इंप्लाइज दैट आपके पास क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a। ये किस, ये कैसे आया, P of B is equal to दे रखा है P of B के, तो यहाँ से हम उठा लेंगे क्योंकि P of A is equal to है P of B, ठीक है। तो X हमारा belong करेगा P of A में। अगर X power set of A का element है, इसका मतलब क्या हुआ कि X subset होगा A का, तभी इसके power set में जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, set of all subset of A, ठीक है, जो भी जिसका भी power set होता है उसके subsets का set होता है P of A। अगर x a में कंटेन कर रहा है, इम्प्लाइज दैट जो x का एलिमेंट हमने लिया था x बिलोंग्स टू x, किस में बिलोंग करेगा,
ए में, यहाँ पे आप रीज़न दोगे एक्स बिलोंग्स टू एक्स, क्योंकि एक्स एक्स का एलिमेंट था और एक्स ए का सबसेट है, तो एक्स ए में भी बिलोंग करेगा. तो एक्स हमने बी में लिया था, हमने शो कर दिया ए में है, इम्प्लाइज दैट बी कंटेन इन ए. ठीक है, ये हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ये हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी. ठीक है, अगर ए बी में, बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, इसका मतलब वो इक्वल सेट है. तो आपको यही प्रूव करना था कि अगर पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी दे रखा है तो हमें शो करना ए इक्वल टू बी. नंबर सेवन, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी. कह रहा है कि अगर दो सेट हैं आपके पास ए एंड बी, तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी क्या इक्वल हो सकता है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के? जस्टिफाई योर आंसर, तो आपको एग्जाम्पल देके बताना है क्या ये प्रूव हो सकता है. चलिए देखिए, ये आपके पास प्रूव नहीं हो सकता. पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, ए सेट हम ले लेते हैं ए एंड बी सेट ले लेते हैं बी. ए यूनियन बी निकाल लीजिए, ए यूनियन बी क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट लेके चलते हैं ए बी. अब हमें चाहिए पी ऑफ ए पी ऑफ बी एंड पी ऑफ ए यूनियन बी, सबके पावर सेट निकाल लीजिए. सबसे पहले हम पावर सेट ऑफ ए निकालते हैं. ए हमारे पास ये सेट है, इसके सारे सबसेट्स देखिए क्या क्या बनेंगे. एक तो 5, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो इटसेल्फ हो जाएगा. ठीक है, सेम टू सेम पावर सेट ऑफ बी निकाल लीजिए. फर्स्ट इज 5 एंड सेकेंड इज, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, दिस इज ए यूनियन बी हमारे पास ये सेट है, इसके पावर सेट निकाल लीजिए 5. एक सबसेट इसका ए बन जाएगा, एक सबसेट बी, एंड ए बी इटसेल्फ. ये हो गया पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी. अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमें चाहिए पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी. पी ऑफ ए ये सेट है, पी ऑफ बी ये सेट है, हमें कर देना इसकी यूनियन पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी. यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे इसके नंबर लेते हैं, सारे इसके नंबर उठाते हैं. तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5, क्योंकि दोनों में सेम है, एक ही बार काउंट करेंगे. यहाँ से आ जाएगा ए सेट, यहाँ से आ जाएगा बी सेट. चलिए देखिए, अब क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी. इसमें आपके पास एलिमेंट है 5 ए सेट ए एंड सेट बी, और यहाँ पे 5 सेट ए सेट बी एंड इटसेल्फ सेट ए बी. तो ये दोनों, इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, देन पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है. तो आपको लिखना है नो इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी. फर्स्ट प्रूव करना है कि ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी. पहले आप फर्स्ट पार्ट प्रूव कीजिए. सॉल्यूशन इज, फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, ए इज लेफ्ट, इसकी हम उठा लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये उठा लेते हैं. ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज लेना है, यूनियन ऑफ, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ये आपके पास ध्यान से करना है आपको, ए माइनस बी लिखो या फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखो. इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ए में से बी माइनस कर रखा है, अगर ए माइनस बी करते हैं तो इसमें एलिमेंट किसके आते हैं, ए माइनस बी, एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डजेंट बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए माइनस बी में बी का एलिमेंट नहीं आता. यहाँ पे अगर हम देखें तो ए की इंटरसेक्शन हो रखी है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, और बी कॉम्प्लीमेंट में एक्स बी का एलिमेंट नहीं आ सकता. अगर एक्स बिलोंग्स टू बी करता है, इफ एक्स बिलोंग्स टू बी देन एक्स डजेंट बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट में भी बी का नंबर नहीं आ रहा, और ए के साथ अगर बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन कर देंगे तो भी बी का एलिमेंट नहीं आएगा. तो इसलिए हमारे पास ए माइनस बी को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट.
अब यहाँ से दिख रहा है कि ए की इंटरसेक्शन बी के साथ हो रही है, यूनियन कर रखा है ए की इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी कि यहाँ पे सेम सेट की इंटरसेक्शन हो रही है बी और बी डैश के साथ। तो यहाँ पे हम ला कौन सा लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ला। कैसे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। इसको ओपन करो तो कैसे करते हो, ए इंटरसेक्शन बी, बीच वाला जो सिंबल होता है इनका वो हम यहाँ पे लेते हैं बीच में, और ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूशन ला, डिस्ट्रीब्यूशन ला। ठीक है, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जो आपके पास ए और बी सबसेट हैं, सॉरी बी सेट्स हैं, वो हम मान लेते हैं कि यू आपके पास यूनिवर्सल सेट है। यू क्या लेके चलते हो, यूनिवर्सल सेट। अगर यू यूनिवर्सल सेट है तो ए और बी दोनों ही सबसेट होते हैं यू के, ए भी सबसेट होता है यू का एंड बी भी सबसेट होता है यू का। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर बी की यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ कर दी जाए तो क्या आता है, पूरा सेट यू आ जाता है। कैसे, हमने मान लिया कि यू हमारे पास है 1 2 3 4, बी सेट ले इसका सबसेट होता है तो इसी में से कोई नंबर उठाना पड़ेगा 1 and 3, ये ले लिया हमने। बी कॉम्प्लीमेंट में नंबर कौन से आते हैं, जो हम यू में से बी के नंबर स्किप कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2 and 4। हमने कहा कि बी यूनियन बी डैश करो, तो बी की यूनियन से करोगे बी डैश के साथ 1 2 3 4, इसके भी सारे नंबर लेते यूनियन में, बी डैश के भी कंप्लीट, तो यहाँ पे हमारे पास वापस यू सेट बन जाता है 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से बी यूनियन बी डैश करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पूरा का पूरा सेट यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अब ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू, ए हमारे पास यू का सबसेट है। ठीक है, तो अगर ए आपके पास यू का सबसेट है और इंटरसेक्शन कर रहे हैं, यानी ए के सारे नंबर यू के अंदर है और इंटरसेक्शन करते हैं तो कॉमन एलिमेंट उठाते हैं, तो कॉमन एलिमेंट आपके पास किस कौन सा सेट आ जाएगा, ए सेट। ए और यू की इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आ जाएगा। यहाँ पे आप रीजन दोगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ठीक है, यहाँ से लेके देख लीजिए, अगर यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और ए इसका सबसेट लेना है, मैंने मान लिया कि 1 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ए और इंटरसेक्शन करते हैं यू के साथ, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट उठाते हैं तो 1 और 2 यही कॉमन आ जाएंगे और विच इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन यू करते हो तो सेट छोटे वाला आता है, यही आपको प्रूव करना था। अब राइट हैंड साइड उठा के चले थे और एक इक्वल हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए इसका, सेकेंड पार्ट में दे रखा है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है कि ए यूनियन बी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है, ए यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए को फिर से चेंज कर दीजिए, ए यूनियन इसको मैंने लिख दिया बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस ए जैसे हमने वहाँ पे किया था सेम टू सेम यहाँ पे है, बी माइनस ए बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे भी एक एलिमेंट नहीं आ रहे, यहाँ पे भी एक एलिमेंट नहीं आएंगे। अब यहाँ पे हम ओपन कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला, क्या होता है भाई, ए ये ऑपरेशन दोनों के साथ होगा, ए बी के साथ और ए ए डैश के साथ, ये वाला ऑपरेशन अप्लाई होता है बाहर वाला, ए यूनियन बी एंड ए यूनियन ए डैश, और इनके मिड में जो आता है वो ये ऑपरेशन आता है। ठीक है, देन ए यूनियन ए डैश, ए सबसेट है यू का, ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू, देन हम ए और ए की डैश की यूनियन करते हैं तो पूरा सेट हमारा यू आता है, जैसे अभी हमने उस एग्जांपल में किया था, तो सेम टू सेम। और यहाँ पे इसको ओपन करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये हमारा आया है डिस्ट्रीब्यूशन ला, डिस्ट्रीब्यूशन ला ये हमने ओपन किया है। ठीक है, इसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाता है, कंप्लीट यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन बी, अब देखिए यहाँ से ए सबसेट था यू का, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू, ए और बी के दोनों के नंबर यू में बिलोंग करते हैं, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेती हूँ दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू।
समझ गए। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी भी इसका सबसेट होता है। और अभी हमने बताया था कि अगर छोटे सेट, अगर ए इसका सबसेट है तो इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटे वाला सेट आता है हमारा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमने क्या किया, पूरे सेट की इंटरसेक्शन कर रखी है यू के साथ, ए यूनियन बी की। अगर हम यहाँ से करते हैं यूनियन बी, ए यूनियन बी करते हैं, वो भी सबसेट होता है यू का, ठीक है। इंटरसेक्शन भी सबसेट होता है और यूनियन भी यू का सबसेट होता है। देन ए यूनियन बी यू का सबसेट, तो इंटरसेक्शन करेंगे दोनों सेट्स की, इसकी और यू की, तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। नंबर नाइन्थ आपके पास गिवन है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए एंड सेकेंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। पहले हम फर्स्ट का प्रूफ देख लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं फर्स्ट का। इसके हम उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ओपन कर लेते हैं, कौन सा वाला लगा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव, ए यूनियन ए, ए के साथ ए की यूनियन, फिर ये सिंबल यहाँ पे आता है, ए के साथ बी की यूनियन, ए यूनियन बी, हमने लगाया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ए यूनियन ए, अगर आप ए के साथ ए की यूनियन करोगे आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। बी सेट की यूनियन ए के साथ हो रही है और इंटरसेक्शन भी ए के साथ ही हो रही है, तो दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है, ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन बी इसके साथ हो रही है, दिस इज इक्वल टू ए। ये कौन सा ला होता है, आइडेम्पो टेंट ला, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट दे रखा है आपके पास, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, आपको प्रूव करना है ए के इक्वल, सेम टू सेम वही चलना है, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हमने उठाई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ए और ए की इंटरसेक्शन क्या बनेगी, ए ही बनेगी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, फिर से वही आ गया, बी सेट की इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन बी के साथ, तो ये किसके इक्वल आता है, ए के साथ। यहाँ पे आपने कौन सा लॉ लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव, और यहाँ पे आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू ए और इक्वल टू ए के हमें प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। अगर ए के इंटरसेक्शन बी के साथ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है, तो नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, तो जरूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी होगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से, ऐसा एग्जांपल उठाओ कि ए की और बी की इंटरसेक्शन ए और सी के इक्वल आ जाए। ए सेट मैंने उठा लिया 1 2 3, बी सेट ले लेते हैं, ए और बी की इंटरसेक्शन आनी चाहिए 1 2 4, ठीक है। ए के और बी के इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉमन नंबर 1 2, ठीक है। तो सी सेट ऐसे अज्यूम करना है कि उसकी भी इंटरसेक्शन 1 2 ही आए, किसके साथ, ए के साथ। तो अगर मैं सी ले लेती हूँ, सी लेट कर लेते हैं 1 2 एंड 6, ठीक है। सी से ए ले लिया 1 2 3, बी 1 2 4, सी 1 2 6, देन ए इंटरसेक्शन सी निकालिए, ए इंटरसेक्शन सी करते हैं ए की और सी के साथ इंटरसेक्शन, देन इज ऑल्सो 1 2, तो हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये वाला कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमारा आ रहा है ए इंटरसेक्शन सी। हमने शो कर दिया यहाँ से कि दोनों इक्वल आ रहे हैं। अभी कहता है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या बी और सी सेट इक्वल बने। देखिए यहाँ से बी सेट है 1 2 4 और सी सेट है 1 2 6, बट ये दोनों तो इक्वल नहीं है, बट बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इंटरसेक्शन सी आ जाता है तो बी इक्वल नॉट इक्वल टू सी हो सकता है, इक्वल आने जरूरी नहीं। लेट ए एंड बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5,
मतलब कि ए इंटरसेक्शन एक्स फाई दे रखा है, बी इंटरसेक्शन एक्स फाई दे रखा है, एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स, शो करना है कि ए इक्वल टू बी आ जाए। ठीक है, देखिए आपके पास गिवन है ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। हम दोनों साइड ए से इंटरसेक्शन कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। सेम सेट से हमने ए से दोनों साइड इंटरसेक्शन कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ओपन कर दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है कि ए की एक्स के साथ इंटरसेक्शन क्या गिवन है, फाइव गिवन है। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ए की और ए की इंटरसेक्शन करोगे क्या आएगा, ए आएगा। यूनियन इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, फाइव। दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाइव। ठीक है, ए और फाइव की यूनियन ए सेट, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने कहा कि ए और बी की अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो ए सेट आ रहा है, इसका क्या हमारे पास, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास ए यूनियन एक्स, ये दोबारा से उठा लो, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों साइड बी से इंटरसेक्शन कर देते हैं, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, दिस इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सॉरी बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, सेम टू सेम बी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन बी के साथ, और फिर बी इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन एक्स के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओपन कर दिया हमने, फिर हमें गिवन है कि बी इंटरसेक्शन एक्स हमारा फाइव है, तो जो बी इंटरसेक्शन एक्स है इसकी जगह पे हम रख देते हैं फाइव। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाइव, दिस इज इक्वल टू बी और बी की इंटरसेक्शन बी ही आएगा, यूनियन आ जाएगा फाइव। इस सेट की अगर फाइव के साथ यूनियन करते हो तो यही सेट आएगा, इम्प्लाइज दैट बी इंटरसेक्शन ए दिस इज इक्वल टू बी और फाइव की यूनियन बी आएगा, इम्प्लाइज दैट इसको आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी, आगे पीछे कर सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ दिस इज इक्वल टू बी। ये आपके पास होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, इसको इधर लिख दिया मैंने ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसको इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इसको ले लीजिए, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा हमारे पास, जो कि आपको प्रूव करना था इक्वल टू बी। ठीक है, ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सेट्स ए बी एंड सी, फाइंड द सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। ऐसे सेट अज्यूम करने हैं जिससे इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आए एंड इंटरसेक्शन तीनों की करें तो एम्प्टी आए। ठीक है, तो इस तरह से आपको अज्यूम करने हैं कि अगर हम इनकी इंटरसेक्शन करते हैं तो नॉन एम्प्टी और तीनों की करें तो एम्प्टी आनी चाहिए। हम ए ले लेते हैं 1 2, बी ले लेते हैं 2 3 एंड सी सेट अज्यूम कर लेते हैं 1 3। ये हमने क्यों लिए, क्योंकि हमने ए और बी की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी शो करनी है। तो ए इंटरसेक्शन बी कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, ए और बी में 2, दिस इज नॉन एम्प्टी। बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, बी इंटरसेक्शन सी इसमें कॉमन एलिमेंट आ रहा है 3, दिस इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी। एंड ए इंटरसेक्शन सी करोगे, ए की और सी की इंटरसेक्शन, तो कॉमन एलिमेंट आ रहा है 1, ऑल्सो नॉन एम्प्टी।
ठीक है, बट अगर हम तीनों की इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका क्या मतलब होता है, ए और बी और सी में जो तीनों में कॉमन है वो नंबर हमें इस सेट में लिखना है, ठीक है। तो ए में 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3, तीनों में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सेम अपने पास कॉमन आ जाए, ये आ गया 5, यानी कि एम्प्टी सेट, ठीक है। तो आपको ये एग्जांपल बताने हैं, ए सेट, बी सेट और सी सेट, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास, हमने 12th क्वेश्चन किए, इसके शायद 4 क्वेश्चन और रहते हैं, एक लेक्चर और बन जाएगा इसका, तो उसके बाद हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आप इसको ट्राई कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।